प्रयागराज में जन चेतना संस्थान विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम तथा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक सिंह अध्यक्ष बार एसोसिएशन हाईकोर्ट प्रयागराज उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महोदय ने दिव्यांगों की मनमोहक प्रस्तुति को सराहा एवं दिव्यांगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया तथा विशेष अतिथियों में जीबी सिंह मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम हाईकोर्ट प्रयागराज एवं शीतला गौड़ मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रयागराज भी उपस्थित रहे, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुति से प्रभावित होकर उनके मनोबल को उत्साहित किया तथा संस्थान के निदेशक डॉ. केन मिश्र ने दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी वागीश मिश्र, प्रधानाचार्य मनोज कुमार तथा संस्थान के विशेष शिक्षक संदीप मिश्र, सर्वेश चतुर्वेदी, मती संगीता पांडेय, मती दीपिका राय एवं विनीत पांडेय तथा प्रशिक्षणार्थी दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का भारी संख्या में उपस्थित रहे। जन चेतना संस्थान सन 1996 से दिव्यांगों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास तथा दिव्यांगता के रोकथाम एवं निवारण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। संस्थान का उद्देश्य है कि दिव्यांगों को उच्च कोटि का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनि के सरवानी की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमारे यहाँ जन चेतना संस्थान जो कि 1996 में स्थित एस्टेब्लिश हुई है, जहाँ पे हम लोग हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। ये दिव्यांगजन दिवस हम कुछ तो इसलिए भी मनाते हैं कि हम तो अपना खेलने में हमें हम आम मतलब हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं ऐसी कि हम खेल ना पाएँ या कहीं जा ना पाएँ, किसी से बात ना कर पाएँ, लेकिन जब हम इनको देखते हैं, इन बच्चों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो इनको नॉर्मल लाइफ का फील दे। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वैसे इनको थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ का फील मिले इनको, क्योंकि ये भी बच्चे हैं, ये छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, एक जगह बैठे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं ठीक है, आम जनता भी हमारे साथ है, हमसे मिलजुल कर रहती है। इनको एक तो ये हमारा उद्देश्य रहता है हर साल कि इनको एंजॉय थोड़ा सा करवाएं, जिससे ये डांस करें, गाना गाएं। गाना तो वो बच्चे नहीं गा सकते हैं जो सुन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गा सकते हैं जो थोड़ा सा मेंटली जो जिनको थोड़ी सी जो दिव्यांग हैं। तो कोशिश ये रहती कि सारे बच्चे जितने हैं, चाहे वो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, या तो जो हाथ पैर से दिव्यांग हैं, तो कोशिश हमारी यही रहती कि उनको भी ऐसा लगे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ की तरह जी रहे हैं, नॉर्मल जैसे सब जीते हैं वैसे ही हम भी जी सकते हैं। और हमारी कोशिश कुछ ये रहती है कि जो हम यहाँ पे उनको सुविधा दे रहे हैं, जैसे अपने संस्थान में हम लोग उनको रहने का मतलब एक आवासीय सुविधा है इनकी, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद और उनका रहना, हॉस्टल वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। हमारी जो कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन चीफ गेस्ट आए हुए थे, क्या क्या बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? अच्छा, हमारे आज तो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद के हाईकोर्ट के अध्यक्ष हैं श्रीमान अशोक सिंह जी, एक तो वो थे। विशिष्ट अतिथियों में हमारे दो अतिथि थे, जो एक श्रीमान अपने जे बी सिंह जी जो अभी बैठे हैं वो हैं, और एक और थे जो अभी तक निकल गए हैं, शीतला प्रसाद गौड़ सर, वो भी चले गए अभी। तो टाइम दिया, हालांकि उन्होंने सबने टाइम बहुत दिया, हमने बहुत वो प्रयास किया कि यहाँ पे आके थोड़ा और टाइम दे, लेकिन उनको भी कहीं जाना था और उनके पास समय का अभाव था, लेकिन जो वो यहाँ पे आए। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बच्चों को? उनके प्रतियोगिता के अनुसार उनका सम्मान किया गया, जैसे कॉपी पेन मिल गई किसी को, पूरा पेन का पूरा बॉक्स मिला है, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसमें खेल कूद के लिए उनके सामान हैं, तो ये उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी सांत्वना दी कि हम तन मन धन से हैं उनके साथ, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जब लोग आगे आते हैं ऐसे बच्चों जो जिनके साथ हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, तो जब वो लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पर अतिथि हों या बड़े बड़े लोग जिनको बोल सकते हैं आप, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जो वो कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो हमें बहुत अंदर से ये लगता है कि चलिए ठीक है, हमारे साथ भी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी काफ़ी लोग हैं काम कर रहे हैं। बच्चे जी, मेरा नाम वागीश मिश्रा है, जन चेतना संस्थान में मैं कार्यरत कर्मचारी हूँ। जन चेतना संस्थान के परिवारजनों को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने WHO की स्कीम के तहत आज जो
विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये पुनीत कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मेरा मानना है कि विश्व स्तर पर जो एक साल भर में दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, इसके पीछे मानना यह है कि हर देश में हर समाज में बड़े गरीब और अमीर रहते हैं, तमाम तरह के परिवार हैं, कुछ बच्चे अपना जन्मदिन मना सकते हैं, कुछ नहीं मना सकते। तो लगता है कि सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली कि हम कम से कम साल भर में एक ऐसा आयोजन करें जो हर प्रदेश में हो, हर देश में हो, हर ज़िले में हो, हर समाज में हो, और जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं कम से कम सामूहिक रूप से उनका जन्मदिन मनाया जा सके, और इन बच्चों को विश्व दिव्यांग दिवस पर और इन बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाए जाने पर हम सामूहिक रूप से उन सभी बच्चों को बधाई देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी शुभकामना देते हैं कि यथासंभव ये पढ़े लिखें और समाज की आधुनिक रचना में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्चा बताएं। मैं जे बी सिंह, पूर्व महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद प्रयागराज।